इस समय की वड्डी खबर ए आई जी आशीष कपूर के उत्ते जुड़ी हुई है। ए आई जी आशीष कपूर के उत्ते दोष लगाने वाली महिला के वलों राजपाल के नाल मुलाकात की गई है। उसके वलों मांग की गई है कि मुड़ तो इस मामले की जांच होनी चाहिए है। तो आई जी जो कि आई जी कुबर विजय प्रताप वाली एस आई टी सी उसके कोलों मुड़ तो जी पुरानी एस आई टी के कोलों जांच कराने की मांग भी इस महिला के वलों राजपाल के कोलों की गई है। तो होर की कुछ आख्या इस महिला ने, आओ तुहानू पहला वो सुना दिंदे हां। मुझे पता चला कि सर ने उनको क्या नाम है सर सीएम को लिखा है मेरे केस के बारे में, तो मैंने सर को एक मेल किया कि सर मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो सर ने मुझे एक ही मेल पे टाइम दे दिया, जबकि मैं गवर्नमेंट को लास्ट वीक हर बार मेल कर रही हूँ कि सर मेरे को सुना जाए, सर मेरे को सुना जाए, सर मेरे को कोई टाइम नहीं दे रहे थे। तो सर ने मुझे बोला है, उन्होंने मुझे अश्योरेंस दी है कि वो इस केस के आगे प्रोसीड करेंगे, और उन्होंने डीजीपी सर को बोला है कि वो उनको लेटर लिखेंगे। फिलहाल भी कभी देखिए तो कोर्ट के विच ये मामला जो कितने ये केस हो क्या है जी? सर कोर्ट में तो काफ़ी साल से गया हुआ है मामला। हमने कहा था क्योंकि पंजाब पुलिस पे तो अब हमें कोई भरोसा ही नहीं रहा है। कुंवर सर ने जो फाइंडिंग्स करी थी उसके बाद किसी ने भी नहीं उसको अच्छे से किया है। तो कोर्ट में तो चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट जब तक रिप्लाई नहीं देगी तो कोर्ट भी कोई आगे डायरेक्शन नहीं दे सकती है। डिमांड क्या की आपने? सर मैंने डिमांड करी है कि कस्टोडियल रेप का एफआईआर होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना तब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। पीड़ित महिला के वलों दोष लगाए गए कहने के पंजाब पुलिस के वलों इसकी सही जांच नहीं की गई, जिस कारण ए आई जी आशीष कपूर के उत्ते FIR नहीं की गई। इस दे नाल ही उन्होंने वलों मांग की गई है कि राजपाल नूं कहा गया कि पुरानी एस आई टी जो कि आई जी कुबर विजय प्रताप वाली सी उसके कोलों इसकी दोबारा जांच करवाई जाए, तो जो उस ए आई जी आशीष कपूर के खिलाफ जी है वह FIR हो सके, तो जो उसनूं इंसाफ मिल सके। तो दस दें कि इस औरत दे नाल ए आई जी आशीष कपूर के उत्ते इस औरत ने दोष लगाए सन कि उसके ए आई जी आशीष कपूर ने जेल सुपरडेंट होंदे इस औरत दे नाल बलात्कार किया जेल दे विच, जिस दरम्यान जिस तों बाद लगातार यह दोषों का आशीष कपूर सामना कर रहे हैं। तो आशीष कपूर मौजूदा समय के रिश्वत के दोषों का भी सामना कर रहे हैं, तो विजिलेंस हिरासत के विच ने। तो इस दे नाल ही ए आई जी आशीष कपूर दीआं मुश्किलां लगातार वध सकदियां ने। होर भी जिहड़े ए आई जी आशीष कपूर दे नाल जुड़ी तुहानूं होर जिहड़ी जानकारी वह भी दस दिंदे आ कि पहलां इस तों पहलां सू मोटो राजपाल दे वलों लैंदिआं सीएम नूं चिट्ठी लिखी गई सी कि ए आई जी आशीष कपूर की मुड़ तों जिहड़ी जांच होनी चाहिए है, तां जो उन्हां ने नाल ही जिहड़ा IG जदों कुबर विजय प्रताप IG हुंदे सन उस समय जिहड़ी उन्हां दे वलों मीडिया दे विच बयान जिहड़ा जांच तों बाद SIT दे वलों दित्ते गए सन, तां उन्हां मीडिया हब दे बयानां नूं हवाला बणाउंदिआं जिहड़ा एक चिट्ठी जिहड़ी आ सीएम नूं लिखी गई सी, जिस दे विच इस तों जिहड़ी बरीकी दे नाल जांच करन दी गल आखी गई सी। ते अज ए आई जी आशीष कपूर दे खिलाफ फिर तो जांच दी मंग की गई आ पीड़ित औरत दे वलों जिस दे वलों बलात्कार दे दोष लगाए गए सन। तो राजपाल दे वलों उसनू भरोसा दिता गया कि वह मुड़ तो जिहड़ा अफसरां नूं इस दे बारे लिखणगे अते इसकी मुड़ तो जांच करन दे हुक्म देणगे। ते नाल ही ए आई जी आशीष कपूर दे खिलाफ जिहड़ी आ मुड़ तो यह जांच खुल सकदी आ इस औरत दे वलों जदों यह राजपाल दे नाल मुलाकात की गई है। तो उसने दस्सिया कि वह इस कारण राजपाल दे नाल मुलाकात करके आई है क्योंकि राजपाल दे वलों जिहड़ा वह इस दे विच सू मोटो लिया गया सी, ते खुद जिहड़ा सीएम नूं पत्र लिखा गया सी, जिस तों बाद हुण उसने राजपाल दे नाल मुलाकात की है ते मंग की है कि ए आई जी आशीष कपूर दे खिलाफ मुड़ तो जिहड़ी है वह जांच की जाए। तो उसने पुरानी SIT जो कि IG कुबर विजय प्रताप वाली SIT सी उसके कोलों मुड़ तो जांच करवाउण दी जिहड़ी मंग है वह राजपाल दे कोलों की है, तो राजपाल दे वलों उसनूं भरोसा दिता गया। तो तुहानूं दस दिंदे आ कि इस समय की वड्डी खबर यही है कि ए आई जी आशीष कपूर दे खिलाफ जिहड़े आ वह मुड़ तो जांच की मंग की गई है, तो पीड़ित औरत दे वलों राजपाल दे नाल मुलाकात की गई है। तो बाहर आ गया मीडिया के नाल गलबात करदिआं उस औरत दे वलों कहा गया कि इसकी मुड़ तो जांच होनी चाहिए है, तो जो उस व्यक्ति दे उत्ते जो कि ए आई जी आशीष कपूर ने उन्हां दे उत्ते FIR हो सके, तो जो इस दे विच इंसाफ मिल सके। होर भी खबरां ते अपडेट्स देखने के लिए बने रहो रोजाना लोकनाथ TV दे नाल।